लक्ष्मीपति गोविंद दास, आई एम वर्किंग एज ए पुजारी हियर। तो टुडे इज ए जन्माष्टमी, इज वी आर सेलिब्रेटिंग वेरी ग्रैंड इन द इस्कॉन। सो द जन्माष्टमी टुडे इज अ भद्रमासम, भद्र महीने के रोहिणी नक्षत्र अष्टमी के दिन कृष्णा का जन्म हुआ था। तो आज यहाँ पर जन्माष्टमी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर में इस्कॉन वाले आज के तारीख के दिन जन्माष्टमी बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ का जो अलंकार है, विशेष अलंकार है, हमारे नित्यागौर का अलंकार विशेष अलंकार है। और ये जो अलंकार है, ये 108 तरह के अलंकारों से विभूषित किया हुआ है। इसमें चारों तरफ से विश्व के पूरा अपने जो आकाश के अंदर, जो प्रकृति के अंदर जितने भी फूल हैं, जितने भी वस्त्र हैं, वो पूरे हमारे आज के तारीख में कृष्ण के लिए अर्पित किया जाता है। तो हम इस जन्माष्टमी के दिन विशेष तरह के अलंकार, जिसमें सोना चांदी और फूलों से अलंकार किया जाता है। आज के दिन विशेष अलंकार है, लेकिन वैसे अलंकार इसके जो पास्ट टाइम्स है, नरसिम्हा जयंती हुआ, जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ, गौर पूर्णिमा हुआ, ऐसा अलंकार करते ही हैं। लेकिन आज के दिन, क्योंकि इस्कॉन जो है ये कृष्णा कॉन्शियस है, इसमें कृष्णा के ज़्यादा इसमें करते हैं, तो आज के दिन ही ज़्यादा अलंकार किया जाता है। ये इसके अभी जो अपने जो मोर का पंख है, वो अपने कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो कौस्तुभा मतलब पूरा जो प्रजाति बोलते हैं, प्रजाति का एक फूल होता है, वो फूल केवल स्वर्ग मिलता है, तो वो फूल की माला हम लोग यहाँ पर श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। वैसे ही इनके अलंकार अपने कंगन होते हैं और मुरली होता है। मुरली इनका मेन आय, और जितनी भी देवी देवताएं हैं सबके अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन हम कृष्ण के अस्त्र शस्त्र नहीं है। ये केवल ये मुरली से ही इनका अर्चना होती है। इनका जो विग्रह है केवल मुरली ही रहते हैं, क्योंकि ये मुरली से ही ये मधुर, इनका मधुर से ही ये गोपियों को रास करते हैं और इससे ये मोहित करते हैं। तो ये जो केवल बाकी जितने भी देवी देवता है, भगवान है, सबके अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन हमारे कृष्ण के अस्त्र शस्त्र नहीं है। ये प्रेम का लक्षण है कि प्रेम है, मधुर है, माधुर्य होना चाहिए, इसलिए ये बांसुरी रखते हैं। ईश्वरा परम कृष्णा, मतलब कि ये इसमें ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि ईश्वर ही ब्रह्म कृष्णा है, कृष्ण के सिवा कोई बड़ा बड़ा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर, विश्व के अंदर में जो धर्म है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो है भगवद गीता और भगवतम। तो ये इनके जो रचयिता है और इनके ऊपर जो किया हुआ है वो कृष्ण ही है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने कृष्ण कॉन्शियस को ही दिया है, क्योंकि कृष्णा ही परम कृष्णा है, परम ईश्वरा है, इसलिए उससे बड़ा कोई भी नहीं है। इसलिए हम लोग ने कृष्ण को ही हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, और कृष्ण ही परम ईश्वर है। यहाँ पर सवेरे 4:30 बजे से हमारा कार्यक्रम चालू होता है। 4:30 बजे मंगल आरती होती है। मंगल आरती 4:30 से 5 बजे तक रहता है। 5 बजे के बाद से 1 घंटा हमारा जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस कलयुग में सबसे सुलभ मंत्र है, वो मंत्र को हमारे चैतन्य महाप्रभु ने आके हमें ये इस कलयुग में मंत्र दिया है। हरे नाम केवलम नास्ते नास्ते गतिरण्यता, मतलब है कि इस कलयुग में और दूसरा कुछ भी नहीं है, ये हरिनाम संकीर्तन ही है जो अभी चल रहा है, जो हमारा संकीर्तन, यही संकीर्तन है। और इसका मेन यही है कि हरिनाम संकीर्तन जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद अभी आज देखा होगा आपने 8 बजे, एक्चुअल देखा जाए 7:30 बजे हमारा रेज का कार्यक्रम है, 8 बजे हमारे यहाँ पर श्रृंगार आरती हुआ है। श्रृंगार आरती के बाद में अभी भोग लग रहा है, जो नैवेद्य लगता है। 12 बजे राजभोग, मतलब राजभोग आरती होता है। फिर 4:30 बजे संध्या आरती होती है। फिर 7:30 बजे शाम को गौर आरती होगी। गौर आरती के बाद में 9 बजे से आज विशेष राधा कृष्ण के लिए अभिषेक का कार्यक्रम है, जो 9:30 से 12 बजे तक। 12 बजे उनका जन्मदिन है, क्योंकि आज रोहिणी नक्षत्र है, भद्रमास है, अष्टमी है, इसलिए आज उनका जन्मदिन है। तो जो इसका आरती है, जो महाआरती है,
12 बजे होगी जो वाम महामहाआरती रहेगी। तो 12 बजे के बाद में भगवान को हम लोग उसका उनके बाद उनको हम लोग सुला देते हैं। ये है हरे कृष्णा हरे कृष्णा।